आज मैं ऐसा फंगुर के वायरल एडिटिंग सीक्रेट को रिवील करने वाला हूँ, लाइक लैंडिंग इफेक्ट, धोनी वाला एडिटिंग, कैलकुलेटर इफेक्ट, जंप एडिटिंग और वन टैप एडिटिंग और भी काफी सारे इफेक्ट और एडिटिंग आज के 10 ट्यूटोरियल में सिखाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे शॉर्ट्स पे लिटरली मिलियन ऑफ व्यूज जाते हैं। तो आपको भी ऐसे शॉर्ट्स बनाना चाहिए और एडिटिंग बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होने वाली, आपको एकदम इजी तरीके से सिखाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो वही सबसे पहले हम ये लैंड वाला इफेक्ट सीखेंगे। हमारा कैरेक्टर ऊपर के साइड में जमीन पर लैंड करता है, तो ये वाला एडिटिंग सीखने के लिए कैपकट के अंदर आ जाना। इस इफेक्ट को आपको जिस भी क्लिप में अप्लाई करना होगा उस क्लिप को कैपकट में ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद क्या करना, जब आप हेडशॉट मारते हो ना तो उसके हल्का सा पीछे आना, तो आपका कैरेक्टर या फिर जंप कर रहा होगा या फिर खड़ा होगा या फिर रनिंग कर रहा होगा, तो वहीं पर आपको एक कट मारना है और एक स्क्रीनशॉट भी वहां का ले लेना। और पूरा तरीके से क्रॉप मत करना, आधा ही क्रॉप करना जिस तरीके से मैं क्रॉप कर रहा हूं। और क्रॉप करने के बाद सेव करके रीटच ऐप में से ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद नीचे आपको एक इरेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके जो हमारा करेक्टर है उसे आप इरेज कर देना जिस तरीके से मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर इसे सेव कर लेना। देन इस इमेज को आप पिक्सल ऐप में ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन आप इसे आप क्रॉप कर लेना अच्छे तरीके से, वहाँ पर आप अच्छे तरीके से क्रॉप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉप करने के लिए फिर राइट करके दोबारा से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके AI एनहांस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन इसे क्वालिटी इनहांस हो जाएगी, फिर इसे सेव कर लेना। और सेव करने के बाद बैक आना और फिर दोबारा से उस स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना जो हमने सबसे पहले कैपकट के अंदर खींची थी ना, डायरेक्ट उसे यहाँ पर ऐड कर लेना। और फिर इसको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको क्रॉप कर लेना जैसे हमने पहले किया था। और फिर करना दोबारा से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका AI एनहांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी क्वालिटी को इनहांस कर लेना। देन राइट करना और फिर आपको नीचे एक बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। देन इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा, ये PNG फॉर्म में हो जाएगा, तो इसे राइट करके सेव कर लेना। और फिर वापस ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जिसमें से हमने अपने कैरेक्टर को रिमूव कर दिया था ना और इसकी क्वालिटी इनहांस कर ली थी, उस इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना। देन नीचे स्क्रॉल करके बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना। देन जैसे पीछे वाले इमेज के बराबर हो जाएगा तो राइट करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन जैसे इसके ऊपर चला जाएगा, इतना कम हो जाने के बाद दोबारा से ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो हमने अपने कैरेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव किया था उसे यहाँ पर ऐड कर लेना। देन फिर उसके ऊपर वाले इमेज पे क्लिक करके आप बीच में कट मार देना और जो पीछे का पार्ट है उसे डिलीट कर देना। और फिर आगे वाले पार्ट पे क्लिक करके देखना वो कितने सेकंड का है, तो हमें चाहिए 0.3 सेकंड का, तो इसे मैं थोड़ा क्रॉप कर दूंगा। 0.3 सेकंड का हो चुका। आप नीचे वाले ओवरले पे क्लिक करना और एक बीच में कट मारना और पीछे वाला पार्ट को कर देना डिलीट। और फिर इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करना और फिर पीछे देखना हमारा कैरेक्टर कहाँ पे खड़ा था, तो उसी पोजीशन में इसे भी खड़ा कर देना। नीचे बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, बड़ा छोटा यहाँ से कर लेना। और फर्स्ट वाले ऑप्शन की ऊपर वाले लाइन से यहाँ पर लेफ्ट और राइट होगा, तो यहाँ से अच्छे तरीके से एडजस्ट करके वापस से क्रॉप कर देना। तो इतना हो जाने के बाद दोबारा से ओवरले पे क्लिक करना, एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। काफी सारे एनिमेशन दिखेंगे, तो आपको स्वाइंग बटन वाला एनिमेशन पे क्लिक करके राइट कर देना है। और फिर गाना इस एरो पे क्लिक करके नीचे ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना। फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक साउंड इफेक्ट ऐड कर लेंगे, तो साउंड इफेक्ट 15 होने वाला है और आपका ये इफेक्ट बन के तैयार है। रिजल्ट देख लो, फिर सेकंड एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। हम करने वाले जंप वाला एडिटिंग, फिर इसके बाद हम धोनी वाला क्लिप को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वाले एडिटिंग में कैरेक्टर का बैकग्राउंड सब कुछ रिमूव करके रखा है, तो सिखाना इजी होगा, इसलिए ये इफेक्ट बनाना काफी ज्यादा इजी है। तो आपको क्या क्या करना है, ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, हमने पहले से बैकग्राउंड सब रिमूव करके रखा ही है, बस ऊपर वाली इमेज को थोड़ा और मैं इंक्रीज कर दूंगा और नीचे वाले ओवरले की भी लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा जहां तक मैंने इस ऊपर वाले इमेज को रखा है। और इतना करने के बाद वापस शुरुआत में आऊंगा। शुरुआत में तो हमने दूसरा इफेक्ट लगाया था, तो इसके बाद करूंगा की फ्रेम ही लगाऊंगा 3 सेकंड बाद, और फिर उसके बाद दूसरा की फ्रेमिंग थोड़ा सा और आगे लगाऊंगा और अपने कैरेक्टर छोटा करके ऊपर के साइड भेज दूंगा उस तरीके से। और फिर थोड़ा सा आगे आना है, एक और की फ्रेमिंग लगाना है। आपको अपने कैरेक्टर को कहाँ पर लैंड करवाना आपको वो देखना पड़ेगा। तो घर के ऊपर लैंड करवाना तो घर के ऊपर रख देना, करेक्टर के सामने लैंड करवाना चाहते तो करेक्टर के हल्का सा ऊपर रखना। और फिर उसके बाद इसकी फ्रेमिंग लगाने के बाद थोड़ा सा लास्ट में जाना है, एक और की फ्रेमिंग आपको ऐड करना है। थोड़ा सा मैं क्रॉप कर लेता हूँ ज्यादा, इसलिए एक और की फ्रेम लगाकर फिर इसे एनिमे के जस्ट बगल में या फिर सामने पीछे जहाँ पर भी खड़ा करना चाहो खड़ा कर देना। और फिर क्या करना, थोड़ा सा पीछे आना, जब पीछे हमारा की फ्रेम में लगा वहीं पर एक कट मारना और फिर एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर भी स्वाइंग बटन वाला एनिमेशन सिलेक्ट करके राइट कर देना। और बाई चांस आपका की फ्रेमिंग थोड़ा सा दूर दूर लग चुका है और आपका स्लो मोशन में थोड़ा जा रहा है ऊपर के साइड में, तो अब क्या करना है, पहला की फ्रेमिंग वहीं पर रहने देना, फिर उसके इन दोनों की फ्रेमिंग के बीच में मैं एक और की फ्रेमिंग लगा दूंगा, क्योंकि ज्यादा ही स्लो जा रहा है
लेकिन फाट जाना चाहिए। तो दूसरा की फ्रेम यहाँ पे बीच में लगा के वापिस से उसे आसमान में भेज दूंगा और फिर थर्ड वाले की फ्रेम पर एनिमी कैरेक्टर के जस्ट ऊपर खड़ा कर दूंगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा और क्रॉप कर दूंगा क्योंकि गैप बराबर बराबर होना चाहिए। तो गैप बराबर है, यहाँ पर की फ्रेम मिला के वापिस से एनिमी के सामने खड़ा कर दूंगा और फिर पीछे वाले की फ्रेम पर आऊंगा, एक कट मार के दोबारा से एनिमेशन पे जाकर स्वाइंग बटन वाले एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना, वही प्रोसेस होगा। और फिर पीछे वाले वाले को डिलीट कर देना और फिर ऊपर भी थोड़ा सा क्रॉप कर देना कुछ तरीके से, फिर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और फिर आपको जो हमने शुरुआत में साउंड इफेक्ट लगाया था उसका एक कॉपी कर लेना और इसे स्लाइड करके आगे ले आना, जहाँ पर हमारा करेक्टर एनिमी के पास लैंड करेगा वहीं पर इस साउंड इफेक्ट को लगाना, देन आपका ये वाला इफेक्ट भी बन के तैयार है। हम ये धोनी वाला क्लिप को ऐड करने सीखने वाले हैं। आपको जहाँ पर भी धोनी वाली एडिटिंग करना होगा जिस क्लिप में भी, उस क्लिप के पास आ जाना। मैंने एक ऐसी रैंडम सी क्लिप ले रखी है। तो गाइस मेरा कैरेक्टर यहाँ पर मैडी मार रहा होता है और सामने से एक एनिमी आता है मारने के लिए, तो मैं यहीं पर ये वाला एडिटिंग अप्लाई करूंगा। सबसे पहले कहूंगा यहाँ पर एक कटआउट मारना है आपको, फिर उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना ऊपर से और आपको पूरा अच्छे तरीके से क्रॉप नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा क्रॉप करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। क्रॉप करके इसे रिटच एप्लीकेशन में ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद अगर नीचे ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके अपने कैरेक्टर के ऊपर कुछ इस तरीके से पेंटिंग करनी है और उसके बाद हमारा कैरेक्टर है जो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मैडी वाला ऑप्शन है उसे भी मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन को भी रिमूव कर दूंगा और फिर उसके बाद पीछे एनिमी है उसे भी आपको रिमूव कर देना है, देन कर लेना राइट और फिर उसके बाद सेव कर लेना और फिर इस इमेज को आप पिक्सल ऐप में आकर ऐड कर लेना। फिर नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ऊपर क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर क्रॉप कर लेना एकदम अच्छे तरीके से। मैंने वहाँ पर आपको क्रॉप करने से इसलिए मना किया था क्योंकि वहाँ पर आप अच्छे तरीके से क्रॉप नहीं कर पाओगे और यहाँ पर आप स्मूथ है एकदम, तो इजिली यहाँ पर अच्छे से क्रॉप कर पाओगे। तो इस तरीके से क्रॉप कर लेना, फिर करना दोबारा से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, एआई इनहेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे क्वालिटी को इनहेंस कर लेना, देन राइट करने के बाद इसको सेव कर लेना। फिर बैक करके उस स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना जो हमने सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें से हमने क्रॉप नहीं किया था और उसमें हमारा कैरेक्टर और एनिमी भी था, तो उसे यहाँ पर ऐड कर लेना। दोबारा से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से पहले की तरह क्रॉप कर लेना कुछ इस तरीके से। देन इसका भी करना दोबारा से एआई इनहेंस पे क्लिक करके इसे क्वालिटी को इनहेंस कर लेना और फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, उस पर क्लिक करते ही पीछे का सारा कुछ रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड पूरी अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ पार्ट आपको बच जा रहा है तो उससे यहाँ पर इरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर रेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे दोबारा से रेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको इरेज कर देना कुछ इस तरीके से, देन इसको कर देना राइट करके सेव कर देना और फिर आपको ऊपर एरो का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करते ही बैकग्राउंड वापस से आ जाएगा और फिर करना दोबारा से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और जहाँ पर एनिमी है ना वहाँ वाले पार्ट को ही रखना और बाकी सारे चीज को क्रॉप कर देना और फिर उसके बाद दोबारा से बैकग्राउंड रिमूव वाले ऑप्शन पे आना और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना, देन आपका एनिमी वाला पार्ट को भी इजीली सेव कर लेना। देन इतना काम हो जाने के बाद वापस आप कैपकट में आ जाना, जहाँ पर हमने कैरेक्टर मार रखा था अपनी लाइन को वहीं पर रखना, ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको ऐड कर लेना जिसमें से हमने अपने कैरेक्टर और एनिमी को रिमूव किया था, फिर इसकी क्वालिटी को इनहेंस कर लिया था ना, तो उसी इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन इससे आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाओगे। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और हल्का हल्का इंक्रीज करके देखना, जैसे पीछे वाली जो इमेज है उसके साथ बिल्कुल मैच हो जाए तो राइट करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन जस्ट इसके ऊपर चला जाएगा। तो आप देख सकते हो क्लिप आगे पीछे करके बिल्कुल एकदम मैच हो रही है, बस यहाँ पे कैरेक्टर और एनिमी रिमूव हो चुके हैं। तो आप ऐड वाले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने कैरेक्टर का पीएनजी को ऐड कर लेना। हमने पिक्सल ऐप में बैकग्राउंड रिमूव किया था ना, तो हमारा कैरेक्टर था ओनली, तो वही आपका पीएनजी है उसे यहाँ पर ऐड कर लेना और थोड़ा सा इसे इंक्रीज करना पीछे के साइड में, देन नीचे स्क्रॉल करके बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ से आप बड़ा छोटा साइड लेफ्ट करके अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर के ऊपर एडजस्ट कर लेना या फिर आप अपने उंगली से भी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो छोटा बड़ा करके, ठीक है। और फिर इसे दोबारा से ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, एनिमी के पीएनजी को ऐड कर लेना जिसमें से हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था याद होगा आपको, उसे यहाँ पर ऐड कर लेना और इसे भी थोड़ा सा पीछे के साइड में इंक्रीज करना और थोड़ा सा पीछे आके देखना हमारा एनिमी कहाँ पर उछल रहा है, तो वहीं पर आकर नीचे स्क्रॉल करके बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन सेकंड वाले ऑप्शन से आप बड़ा छोटा कर देना जितना एनिमी का आपका साइज है उतना ही कर देना इसे। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पहली लाइन को आगे पीछे करोगे तो लेफ्ट और राइट होगा, तो यहाँ से अच्छे तरीके से एडजस्ट करके राइट कर देना और फिर एनिमी और कैरेक्टर के दोनों ओवरले को वापस से क्रॉप कर देना जितना पहले था, जहाँ पर कैरेक्टर लग रहा है उतना ही रखना और फिर दोबारा से ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके धोनी वाले ग्रीन ऑप्शन को ऐड कर लेना है, देन नीचे स्क्रॉल करके बैकग्राउंड रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रोमा की मदद से इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर देना, इंटेंसिटी को रखना अपना 30-40 के बीच में रखना, देन इसे क्या करना नीचे स्क्रॉल करके फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ्रीज कर लेना है और इसको आप 0.3 सेकंड रखेंगे तो कट मार के आगे वाला पार्ट में रिमूव कर दूंगा और फिर से और क्रॉप कर लूंगा, आपको नीचे के साइड में दिख रहा होगा 0.4 0.3
तो वही आपको 0.3 रखना है और आगे वाली जो क्लिप है हमारी उसे वापस अगर सीट तो आगे ले आना। देन इसको आप जितना हमारे जहाँ पर करेक्टर खड़ा है वहाँ पर कुछ बड़ा करके इस तरीके से खड़ा कर देना और जो आगे वाली वीडियो है उसे भी इस तरीके से खड़ा कर देना यहाँ पर और देन स्पीड वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना। देन नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 2x सेकंड करके राइट कर देना और फिर इसके बाद इसकी लेंथ देखना कुछ ज्यादा ही लंबी है तो इसको मैं 0.4 सेकंड रखूंगा तो इसे थोड़ा और क्रॉप कर दूंगा और यहाँ पे 0.4 सेकंड हो चुका है। करूंगा शुरुआत में की फ्रेम मिलाऊंगा देन एक बीच में से थोड़ा सा पहले की फ्रेम मिलाऊंगा और यहाँ पर जो धोनी का कैरेक्टर है ना उसे आगे की और ले आऊंगा छोटा करके कर दूंगा कुछ इस तरीके से और फिर लास्ट में एक और की फ्रेम मिलाऊंगा और जहाँ पर आपका एनिमी खड़ा हो रखा है ना वहीं पर आकर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना और इतना काम हो जाने के बाद जो हमारा कैरेक्टर का ऊपर ओवरले है उस वाले ओवरले पर क्लिक कर देना। देन आपको नीचे दिख रहा होगा कि धोनी के बीच में यहाँ पर एक कट लग रखा है मतलब गैप है थोड़ा सा तो वहीं पर अपनी लाइन को लाना और अपने कैरेक्टर वाले ओवरले पे क्लिक करके कट मार के इस थोड़ा सा आगे की ओर लाके छोड़ देना और जहाँ से धोनी वाला ग्रीन स्क्रीन एंड हो रहा है ना तो वहीं पर अपनी लाइन को लाकर दोबारा से ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक और धोनी वाला ग्रीन को ऐड कर देना। देन नीचे स्क्रॉल करके बैकग्राउंड रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर देना जिस तरीके से हमने पहले किया था और इसको क्या करना ज्यादा बड़ा मत करना जितना हमारा पीछे वाला धोनी है ना उतना ही आपको छोटा रखना है और अपने एनिमी के जस्ट हल्का सा साइड में इसे एडजस्ट कर देना और एडजस्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके इसकी स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी स्पीड को भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा। आप चाहो तो इंक्रीज कर भी सकते हो नहीं भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और फिर उसके बाद क्या करूंगा थोड़ा सा आगे से क्रॉप कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेट बैट उठा रहा है अपना तो क्रॉप करने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे और जब बैट ये घुमा देता है ना पूरा तो वहां तक आपको क्रॉप कर लेना इसे ठीक है और फिर उसके बाद क्या करेंगे थोड़ा सा पीछे आएंगे जहाँ से ये अपना बल्ला उठा रहा है ना तो अपने एनिमी वाले ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहीं से एक की फ्रेम लगाएंगे वहां पर उसके थोड़ा सा और जाकर एक बार की फ्रेम लगाएंगे और अपने एनिमी को आसमान में भेज देंगे ऊपर और फिर वहीं से कट मार के आगे वाला पार्ट को डिलीट कर देंगे। आपका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। क्या करना पीछे आना जो हमारा धोनी वाला ग्रीन स्किन है उस पर क्लिक करके एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्वाइंग बटन वाला एनिमेशन सेलेक्ट करके राइट कर देना और फिर उसके बाद क्या करना जो हमारा करेक्टर वाला ओवरले है उस पर क्लिक करके एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर भी स्वाइंग बटन वाला एनिमेशन सेलेक्ट करके राइट कर देना और जहाँ से धोनी वाला ग्रीन स्किन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम कुछ साउंड इफेक्ट लगाने वाले हैं तभी ये वीडियो कंप्लीट होगी। तो बैक आना ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और साउंड इफेक्ट 12 सेलेक्ट करके राइट कर देना। देन लास्ट में एक आपको ग्राफ दिखेगा एक हल्का सा अलग सा तो वहाँ पर एक कट मारना और इसको थोड़ा सा और आगे कर देना देन बस और फिर थोड़ा सा और आगे आना जहाँ पर धोनी यहाँ पर अपने बैट को उछाल रहा है ना तो दोबारा से फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट 14 को ऐड कर लेना और देन यहाँ पे लगा देना और जितना भी लास्ट में बेकार पार्ट है उस सबको कट करके डिलीट कर देना इसके बाद और लास्ट में प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके धोनी वाले यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और साउंड इफेक्ट का दिक्कत मत लेना सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको एक बार रिजल्ट दिखाता हूँ फिर सेकंड एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम हेडशॉट वाला क्लिप को ऐड करने वाले हैं। जहाँ से आप वीडियो स्टार्ट हो रही है वहाँ पर शुरुआत ही में आपको एक इफेक्ट लगाना है तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना देन रिपीट से एक वाला है इफेक्ट लगाकर राइट कर देना और इसकी लेंथ आप हेडशॉट का हल्का सा पीछे तक रखना तो मैं क्रॉप कर देता हूँ इस तरीके से आपको भी क्रॉप कर लेना है। फिर इसके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर ग्लो कर देना बिल्कुल 0 कलर्स को रखना है आपको 9 और इंटेंसिटी को रख देना 20 और ब्लर को कर देना 56 रेंज कर देना 0 और उसके बाद स्पीड को कर देना 11 और फिर कर देना राइट। फिर थोड़ा आगे आगे आके देखना हमारे करेक्टर ने एक हेडशॉट मारा है तो जैसे ही हेडशॉट मारता है ना राइट डैमेज आ जाता है तो आपको नीचे स्क्रॉल करके फ्रिज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है देन लास्ट में जो क्लिप है उन सबको डिलीट कर देना है। फ्रिज के अलावा और कोई सी आगे क्लिप नहीं होनी चाहिए और फिर वापस से पीछे आना जहाँ पे करंट लग रखा है अपनी लाइन को वहाँ पर लाना एरो पे क्लिक करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना और यहाँ पे लिख देना 1 टैप और फाउंड टैप को कौन सेलेक्ट करना है नीचे स्क्रॉल करके काफी सारे फाउंड दिख जाएंगे लेकिन आपको ये वाला फाउंड सेलेक्ट करना है और फिर उसको क्या करना है हमें 1 रखना है व्हाइट रंग का और टैप रखना है रेड रंग का तो क्या करूंगा टैप को डिलीट कर दूंगा और फिर 1 को अच्छे तरीके से ऊपर साइड में इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा फिर राइट करके इसका एक कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके इसके जस्ट बगल में लाकर ऊपर पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लिख दूंगा टैप और स्टाइली में आपको रेड कलर सेलेक्ट करके राइट कर देना है अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना इतना और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक ओवरले को ऐड करेंगे। आपने जोन से भी गन से 1 टैप मारा है ना उसका PNG गूगल या फिर कहीं से भी डाउनलोड कर लेना इजीली आपको मिल जाएगा PNG उसे यहाँ पर ऐड कर लेना और इसको आप राइट साइड में लगाना लेफ्ट साइड में 1 टैप लिखना है राइट साइड में आपको जोन से भी गन से आपने हेडशॉट मारा है वो लगाना है और फिर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके ट्रेनिंग वाले सेक्शन में आपको एक ब्लैक फ्लैश 2 नाम का एक इफेक्ट मिल जाएगा जिसको आपको लगा लेना है और इसको लगाने के बाद अब इसमें हम साउंड इफेक्ट ऐड करने वाले हैं तो वीडियो को शुरुआत में आना नीचे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना
देन साउंड इफेक्ट 14 को सिलेक्ट करके राइट कर देना, और ये इफेक्ट जहाँ तक है वहाँ से साउंड इफेक्ट लगा लेना। और फिर आगे आके जहाँ पे करंट लग रखा है और जहाँ पर हमने ये वन टैप लिखा हुआ है वहाँ पर आकर फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट 1900 सिलेक्ट करके राइट कर देना। देन आपका ये वाला इफेक्ट भी बन के तैयार है। अब हम कैलकुलेटर वाला इफेक्ट बनाने वाले हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक रैंडम सी क्लिप ले लिया जिसमें मैं हेडशॉट मार देता हूँ लेकिन बंदा डाउन हो जाता है, फेक डैमेज नहीं आता। लेकिन आप में फेक डैमेज आएगा तब आपको ये अप्लाई करना है, वरना मैं रिकॉर्ड करने लगा फेक डैमेज तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मुझे, इसीलिए मैं आपको इसी में सिखाने वाला हूँ। जैसे आप हेडशॉट यहाँ पे मार देते हो ना, ऊपर रेड डैमेज दिखता है तो ना वहीं पर आपको आकर नीचे स्क्रॉल करना, फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और फिर उसके बाद शुरुआत में की फ्रेम ही लगाना है, फिर उसके जस्ट आगे दूसरा की फ्रेम भी लगाना है, और आपको रेड डैमेज पे अपने जूम कर लेना जितना भी रेड डैमेज आया, और फिर थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम में आपको लगाना है, देन उसके बाद एक और की फ्रेम भी लगाना थोड़ा सा आगे, और फिर उसके बाद एनिमी पर अच्छे तरीके से जूम कर लेना जिस तरीके से मैंने जूम किया है। और फिर आप अपने फोन का कैलकुलेटर को ऑन कर लेना, जितना भी वहाँ पर डैमेज आपका लिखा हुआ आ रहा है वही आपको प्लस करना है। मैं रैंडमली कुछ भी प्लस कर दे रहा हूँ लेकिन आपको देखना है कितना का डैमेज आ रहा है, उन सबको प्लस करके वहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर वापस से कैपकट के अंदर आ जाना जहाँ पर हमने जूम किया था, उसके बाद जो कटआउट लग रखा है ना वहीं से आपको क्या करना, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कैलकुलेटर वाला इफेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा बनाने में। मैंने 20 से भी ज्यादा की फ्रेम मिलाकर उसको बनाया है, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट ऐप को बिना कुछ करे आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, तो इस बात को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और फिर उसके बाद करना, इसे ऐड करने के बाद लास्ट में दोबारा से प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसे यहाँ पर ऐड कर लेना, और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा जूम करके। देन उसके बाद आगे की फ्रेम ही लगाना, और उस की फ्रेम में लगाने के बाद थोड़ा सा मैं और एडजस्ट किया मैंने, फिर उसके बाद एक और की फ्रेम मिला के हल्का सा क्या करना है आपको ड्रॉप कर देना है, हल्का सा मतलब कम जूम करना है, देन कट करके वहाँ पर आगे वाली क्लिप को डिलीट कर देना है। आपको कैलकुलेटर के आगे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा गेम का, तो वहाँ क्या करना है एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था, स्क्रीनशॉट लेकर पिक्सल ऐप में आ जाना, फिर टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर क्रॉप कर लेना जैसे हम हर बार क्रॉप करते हैं, और क्रॉप करने के बाद राइट कर देना, देन दोबारा टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके AI एनहांस कर लेना, और AI एनहांस करने के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको ऐड फोटो का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके एक ट्रोल फेस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसे यहाँ पर ऐड करके अपने कैरेक्टर के सर के पास अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना। देन नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जितना भी डैमेज टोटल काउंट हुआ था अब आप इसे कैपकट में जाकर देख लेना कितना हुआ था, तो मेरा 600 कुछ हुआ था, 650 के आसपास, मेरे को याद नहीं है, लेकिन आप देख कर अच्छे से लिख कर फिर उसके बाद यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट करके फाउंट वाले ऑप्शन में आ जाना, फाउंट TA वाला सिलेक्ट कर लेना, और फिर अगर इसे छोटा करके एनिमी के जस्ट हेड पर एडजस्ट कर देना, और फिर इसे सेव करके वापस से कैपकट में आ जाना, और कैलकुलेटर के बाद जो कटआउट लग रखा है ना वहीं पर अपनी लाइन को लाना, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी हमने पिक्सल ऐप में ऐड किया है उसे यहाँ पर ऐड कर लेना, और ऐड करने के बाद अगर ना यहाँ पर बॉक्स दिख रहा होगा आपको कटआउट के बीच में, तो इस पे क्लिक करके साइड लेफ्ट वाला एनिमी से लगा के राइट कर देना, देन पीछे आना, पीछे भी हमने कटआउट मार रखा है तो उस बॉक्स पे क्लिक करके दोबारा से आपको साइड लेफ्ट वाला एनिमी से सिलेक्ट करके राइट कर देना, देन वापस से आगे आके जो कैलकुलेटर के बाद वाला हमारा स्क्रीनशॉट है वहां पर आकर इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना, और ब्लैक फ्लैश 2 नाम का एक इफेक्ट होगा उसे लगाकर राइट कर देना, और जो हमारा ऊपर स्क्रीनशॉट हमने ऐड किया है उसका क्या करना, शुरुआत के थोड़ा सा आगे की फ्रेम में लगाना, और एक फिर लास्ट में की फ्रेम में लगाकर थोड़ा सा जूम कर लेना अपने जो एनिमी है उस पर हल्का सा जूम करके वहाँ पर कट मार के आगे वाला जितना ही पार्ट है उन सबको डिलीट कर देना, देन आपका इफेक्ट बनके तैयार होने ही वाला है, बस साउंड इफेक्ट और लगाना है। तो शुरुआत में आना जहाँ पर हमने डैमेज पे जूम किया था वहाँ पर ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट 1 लगा लेना, देन फिर हमने एनिमी पर जूम किया था तो वहाँ पर दोबारा से फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट 2 लगा लेना, और फिर उसके बाद आगे आ जाना जहाँ पर कैलकुलेटर स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपको दोबारा से फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट 60 लगा लेना, और उसको थोड़ा सा आगे कर देना कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना, और फिर उसके बाद हमने स्क्रीनशॉट ऐड किया था ना 600 कुछ जो हमारा टोटल डैमेज था वहां पर आपको साउंड इफेक्ट 17 लगा लेना है, और उसके बाद लास्ट में जो हमारा एक स्क्रीनशॉट है वहां पर आपको क्या करना है दोबारा से फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट 18 को लगा के राइट कर देना, और ये सारा मटेरियल सारे साउंड इफेक्ट सारे ओवरले सब कुछ आपको पूरा पैक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वीडियो हल्की सी पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, और आप जो भी एडिटिंग करोगे मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करके टैग जरूर से कर देना, और इसका पार्ट 3 चाहिए तो इस वीडियो पर 2000 कमेंट जरूर से कर देना। बाय।